तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में इसके नॉर्मल कैरेक्टर्स की बात कर ली थी एनिमल किंगडम के, जिसमें से हमने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस, सर्कुलेशन के बेसिस, सिमेट्री के बेसिस, और साथ में मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सीलोम और नोटोकॉर्ड देख लिया था। तो अब फाइलम वाइज हम लोग पहले फाइलम पे चलते हैं, ठीक है। तो पहला फाइलम हमारा पोरीफेरा है, ठीक है। तो पोरीफेरा में मेनली हम लोग पढ़ेंगे उसके जनरल कैरेक्टर्स और उसके कुछ फंक्शंस, क्योंकि ये एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा की। तो फाइलम पोरीफेरा में जनरली इसे हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं, स्पॉन्जेस, ठीक है। ये होते हैं मैरीन, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। एसिमेट्रिक वर्ड पिछले वीडियो में मैंने अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो एसिमेट्रिक का मतलब होता है, अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हो तो वो इक्वल पार्ट में, मतलब सेम स्ट्रक्चर में, सेम डायग्राम में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, एसिमेट्रिक का मतलब है। और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेलुलर, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है, बट इनका सेल टू सेल रिलेशन ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसका कहते हैं हमने वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम का मतलब है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ठीक है, जिससे वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स बॉडी में। देखो आप ये पोर्स दिख रहे हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, ए वाले डायग्राम में देखिए, छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं। इस पोर्स के थ्रू बॉडी में वाटर एंटर करता है, ठीक है, और एंटर करके इनकी सेंट्रल अंदर कैविटी है उसके अंदर चले जाता है, ठीक है, और वाटर निकलता है ऑस्कुलम से, मतलब ये बॉडी, ये जो पॉइंट है, यहाँ से वाटर बाहर निकलता है, ठीक है, यहाँ से अंदर आता है, ये छोटे छोटे पोर्स हैं, इसके थ्रू वाटर एंटर करता है, ठीक है। इसका जो सेंट्रल कैविटी है, ये वाला अंदर वाला, अंदर जो एक सेंट्रल कैविटी है ना, अंदर एक सेंट्रल कैविटी है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्जियोकोर, ठीक है। अब ये जो वाटर का मूवमेंट इनसाइड और आउटसाइड है, ठीक है, जो वाटर का मूवमेंट है इनसाइड और आउटसाइड, इससे फ़ायदा क्या है, इससे दिस पैथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। मतलब इस ट्रांसपोर्ट से जो ये स्पॉन्जेस हैं हमारे, जो पोरीफेरा हैं, इनमें फूड का कलेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी चेंज एक्सचेंज हो सकता है और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी होता है, ठीक है। और इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं कोयनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, लाइन स्पॉन्जोसोल। स्पॉन्जोसोल मतलब जो अंदर इसकी कैविटी है उसकी लाइनिंग में ये कोयनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कोयनोसाइट्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है क्या, थोड़ा सा इसको शेप देने में, टू शेप, ठीक है, क्योंकि इनमें बोन्स तो होती नहीं है, तो बोन्स नहीं होती तो एक पर्टिकुलर शेप पे मेंटेन करने के लिए इनमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको क्वेनोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन। अब स्केलेटन, इसमें बोन्स तो होते नहीं है, तो इसमें कुछ तरह के फाइबर्स होते हैं, कुछ अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिजिड होते हैं बहुत, वो है स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। अब ये स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर एक पर्टिकुलर, ये भी पर्टिकुलर शेप देने में हेल्पफुल करता है इनको, इन पोरीफेरेंस को, ठीक है, जो ये आप पर्टिकुलर शेप देख पा रहे हैं ये ड्यू टू स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर के वजह से ही है, ठीक है। तो ये स्पिक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर समझ गए आप। नेक्स्ट आते हैं इनके रिप्रोडक्शन पर।
अब रिप्रोडक्शन में इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं सेपरेट नहीं होते, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में ही मेल भी होता है फीमेल, इसको कह सकते हो आप बायसेक्सुअल, ठीक है। लेकिन जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हो तो वहाँ पे एक नया टर्म आता है जिसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट का दूसरा मतलब है बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट का दूसरा टर्म है बायसेक्सुअल, ठीक है, याद रखिएगा आप। एग और स्पर्म, मतलब एग्स और स्पर्म दोनों एक इंडिविजुअल बनाते हैं क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है या फिर हर्माफ्रोडाइट है, तो हर्माफ्रोडाइट टर्म आप याद रखेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय गैमेट फॉर्मेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का होगा इंटरनल होगा, डेवलपमेंट इंटरनल होगा, और जो लार्वा है वो लार्वा एडल्ट से डिफरेंट होगा, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट का मतलब है कि जो लार्वा होंगे, जो छोटे छोटे लार्वा बनेंगे ऐसे कैटरपिलर टाइप, वो एडल्ट से डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स हैं साइकन, ठीक है, साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। इसके नाम के साथ साथ ये जो ब्रैकेट में नेम्स हैं ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कभी मेडिकल की प्रिपरेशन में जाएंगे तो इस तरह के नाम से भी ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। तो साइकन साइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। अब बात करते हैं सीलेंट्रेटा की। सीलेंट्रेटा, तो सीलेंट्रेटा दूसरा नाम इसका है नाइडेरिया, नाइडेरिया, सी साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है, सीलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया। अब इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एक्वाटिक होते हैं। अभी हम लोग जो एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर जितने भी यहाँ पर हम लोग एनिमल्स पढ़ेंगे वो एक्वाटिक होंगे और मैरीन होंगे, ठीक है, ये मोस्टली मैरीन होते हैं। सेसाइल और फ्री लिविंग, सेसाइल और फ्री लिविंग मतलब पता है, जैसे ये पूरा वाटर है, ये पूरा वाटर है, इसे पूरा वाटर ही वाटर है ना, तो ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, मतलब पानी में ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, इसी में तैरते रहते हैं, सेसाइल फ्री स्विमिंग, ठीक है। ठीक है, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है। अब रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब, अगर आप किसी एक प्लेन से या फिर किसी भी प्लेन से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है, मतलब दोनों सेम सेम रहेंगे, दोनों ही सेम सेम दिखाई देंगे आपको, अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो देखिए दोनों सेम सेम दिखाई देंगे, इसलिए इसको रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल कहा गया है। अब इसका नाम नाइडेरिया पड़ा क्यों, ये देखते हैं, नाम क्यों नाइडेरिया पड़ गया। नाम नाइडेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पास नाइडियोब्लास्ट है, ड्यू प्रेजेंट ऑफ नाइडियोब्लास्ट और नाइडियोसाइट्स, नाइडियोसाइट्स और नाइडियोब्लास्ट होता है जिनमें इनके पास एक टेंटाइकल होता है जिसमें कई सारे स्ट्रिंग लगे होते हैं, स्ट्रिंग्स, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिंग्स, देखिए ऐसे नाइडेरिया है, स्ट्रिंग्स, छोटे छोटे स्ट्रिंग कांटे। अब ये कांटे से ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करने में हेल्प करता है और खुद की बॉडी को डिफेंड भी करता है, मतलब नाइडियोब्लास्ट इज यूज फॉर एनकरेज, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है, डिफेंस में हेल्प करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। इनके पास कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी जो बॉडी के स्किन है, मतलब जो इनका आउटर लेयर है, इसमें दो लेयर फाउंड होते हैं, ठीक है। अब इनके जो सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर मतलब जो इनका स्टमक है, स्टमक, तो इनका स्टमक, इसके पास सिंगल ओपनिंग है माउथ, माउथ जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोस्टोम, ठीक है,
हाइपोस्टोम। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन को समझिए। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब है कि जो फूड है बाहर से ही एब्जॉर्ब, मतलब ब्रोकन फूड ये खुद डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। और इंट्रा सेलुलर मतलब जब फूड बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा स्पेशलाइजेशन है कुछ एनिमल्स में नाइडेरिया के, जैसे इनके पास कुछ कॉरल्स होते हैं, इनका जो आउटर लेयर है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। अब नाइडेरिया दो बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलिप और मेड्यूसा, ठीक है। द फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल लाइक हाइड्रा। अब जो पॉलिप है, पॉलिप वो हाइड्रा लाइक है, हाइड्रा की तरह दिखता है। हाइड्रा जानते हैं ना, ऐसे अभी ऊपर डायग्राम में दिखा रहा है, देख लीजिए इस तरह पॉलिप। ठीक है, ये पॉलिप है। एग्जाम्पल क्या था, एडम्सिया। एग्जाम्पल क्या था हमारा, एडम्सिया। लेकिन जो ये नेक्स्ट है मेड्यूसा, वो अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्री स्विमिंग ऑरेलिया जेलीफिश लाइक, ठीक है। इन दोनों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब पॉलिप कभी मेड्यूसा बन जाता है, ठीक है, पॉलिप कभी मेड्यूसा बन जाता है, कभी मेड्यूसा पॉलिप बन जाता है। लेकिन जो पॉलिप जब मेड्यूसा बनता है तो एसेक्सुअली बनता है, ठीक है। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसे एसेक्सुअली एंड मेड्यूसे फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। तो उसका एग्जांपल क्या है, ओबिलिया, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, नाम कई सारे नाम्स यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, तो उन सारे नाम को भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में है फाइसीलिया, एडम्सिया, पेनाटूला, गॉर्गोनिया, मैनरीना। तो फाइसीलिया पोर्चुग्यू मैन ऑफ वॉर, थोड़ा क्लियर दिख रहा है। एडम्सिया सी एनिमोनी, पेनाटूला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मैनरीना ब्रेन कोरल, ठीक है। जैसे पेन्स है, देखो सामने पेन लगा हुआ है, तो पेन सी पेन याद रहेगा, गॉर्गोनिया सी फैन, फाइसेलिया में पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया में सी एनिमॉन, ठीक है। बस मैनरीना में ब्रेन कोरल आपको याद रखना है, ठीक है, ब्रेन कोरल। तो ये हमारा सीरेंटेटा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट फाइलम्स के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।